अब अलीगढ़ से आपको एक खबर बताते हैं, जहां पर दबंगों के डर की वजह से करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो अपना मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने अपने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। क्या है मामला, आपको देखना चाहिए। अलीगढ़ में दबंगों के डर से लोग अपने मकान और दुकान बेचने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने अपने घर के बाहर दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं और जर्जर कानून व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दबंगों को पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि नौरंगाबाद इलाके में दबंगों ने आतंक मचा रखा है और लोगों को परेशान करते हैं। शराब पीकर आने जाने वाले लोगों से मारपीट करना और महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करना रोज की बात हो गई है। पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए अब वो मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक परिवार है पूरा, उनने अपने दोस्तों को बदमाशों को बुलाया, शराब पिलवाई और उन पे लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी हथियार की धमकी देते हैं, आए दिन लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। बनिया लोग हैं, पंडित लोग गाई देते हैं, सब पंडित समाज को सारी और पैसे ब्याज पे पैसे उठाते हैं और ये केस 10 रुपया वसूल करते हैं। इस संबंध में कोई पुलिस से आपने मदद मांगी है? मांगी थी। क्या आश्वासन मिला पुलिस? पुलिस आई थी, FIR कर दी मैंने पुलिस के पास। फसल शिकायत करी है हमारे, पहले भी 2 महीने पहले ये ड्रामा हो चुका था, फिर हमने समाज की और पब्लिक उसने हमसे दबंगी करके फैसले आके लिए मजबूर कर दिया, तो हमने फैसला कर लिया। वहीं इस मामले में गांधी पार्क के CEO ने बताया कि 2 परिवारों के बीच झगड़ा होने के बाद पीड़ित पक्ष ने अपने और आसपास के घरों में कुछ पोस्टर लगा दिए हैं। थाना गांधी पार्क में परसों 2 परिवारों में लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज हो गया, जिसके कारण पीड़ित पक्ष द्वारा अपने और आसपास के घरों में कुछ पोस्टर लगा दिए गए। पीड़ित पक्ष के से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गांधी पार्क में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। विधानी कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 2 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रमोद अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं सीधा। प्रमोद, मामला है क्या ये पूरा? देखिए, गांधी पार्क थाना इलाके की एक जगह नौरंगाबाद है, ये पुराने शहर का हिस्सा है। इलाके के लोगों 3 दर्जन से अधिक लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। लोगों का कहना है, जो गली के 2 लड़के हैं वो लगातार इलाके में भय का माहौल पैदा करते हैं, लोगों के घर के बाहर बैठ के ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं और लोग जब विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इतना ही नहीं, आगे लोगों ने यह भी कहा है कि तमाम बहन बेटियां जो गली की रहने वाली है उनके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते हैं और इसी के चलते लड़कियां ट्यूशन और स्कूल भी नहीं जा पा रही। पिछले 4 दिन से उन लोग लगातार परेशान कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इसकी शिकायत। ठीक है, ठीक है प्रमोद, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।